प्रकार के शरीर होते हैं कार्तिकेय, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर वो है जो हमारे अंग, उपांग, जो प्रत्यक्ष जिसे स्पर्श किया जा सकता है, और सूक्ष्म शरीर अप्रत्यक्ष है पुत्र, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता किंतु उसकी अनुभूति अवश्य होती है। मृत्यु में स्थूल शरीर का अंत होता है किंतु आत्मा का नहीं होता, और आत्मा के चारों ओर एक शरीर और होता है जो चेतन, अवचेतन और अचेतन मन का अवशेष होता है। अतृप्त इच्छाओं का और वासनाओं का कोष होता है, और यही तीसरे प्रकार का कारण निमित्त बनता है अगले जन्म का, जिसे पार्वती और मैंने शांत और संतुलित किया। वो मनसा का स्थूल शरीर है, सूक्ष्म और कारण शरीर अब भी वही है। किंतु प्रभु, मनसा की उत्पत्ति का कारण तो नागलोक का उद्धार था, तो वो स्वयं नागलोक के वातावरण में प्रभावित कैसे हुए? किसी भी तत्व को उसके वातावरण के प्रभाव से वंचित कैसे किया जा सकता है नंदी? जब तक कि अंतर मन योग साधनाओं द्वारा उन्हें परिपक्व ना कर दिया जाए, और महायोगी भी वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित नहीं निकल पाते, और मनसा तो अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में है।